आज की इस वीडियो में जीबी व्हाट्सएप के बहुत ज्यादा बड़ा प्रोग्राम के बारे में बात करने वाले। बहुत ज्यादा ये बड़ा दिक्कत आता है जीबी व्हाट्सएप को आप लोग यूज करते हो तो आपके सामने ये वाला मैसेज देखने के लिए मिलता है। जीबी व्हाट्सएप पर नहीं, आप लोग अलाना फलाना व्हाट्सएप यूज करते हो, खाली आप लोग ऑफिशियल व्हाट्सएप छोड़कर आप लोग दूसरा व्हाट्सएप यूज करते हो तो आपके सामने यही वाला दिक्कत देखने के लिए मिलता है। और इस दिक्कत को दोस्तों आपको वहाँ पर सोल्व कर ले तो मतलब इस दिक्कत को आप लोग ठीक कर तो एक महीने के बाद फिर से आपको पर ये दिक्कत देखने के लिए मिलता। किसी किसी भाई को एक महीने तो नहीं चलता, मतलब 10 से 15 दिन में फिर से आपको पर ये दिक्कत देखने के लिए मिल जाता है। दोस्तों आप लोग जब जीबी व्हाट्सएप को यूज करो आप लोग यहाँ पर ये दिक्कत आ रहा है और इस दिक्कत को आप लोग सोल्व कर लेते हो कैसे भी कर फिर भी दोस्तों आपको पर यही दिक्कत देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग जीबी व्हाट्सएप को हमेशा के लिए चला सकते हैं, हम लोग हमेशा के लिए जीबी व्हाट्सएप को यूज कर सकते हैं। तो मेरा आंसर है दोस्तों आप लोग हमेशा के लिए जीबी व्हाट्सएप आप लोग यूज नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों आप लोग हमेशा के लिए क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि दोस्तों आप लोग ठीक कर लोगे फिर भी आपको पर यही दिक्कत देखने के लिए मिलेगा एक महीना 10 दिन 15 दिन के बाद आपको पर क्यों देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों आपको वहाँ पर ऑफिशियल व्हाट्सएप चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है दोस्तों कि आप लोग जो भी व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं वो व्हाट्सएप पर आपके यहाँ पर जो भी चैट है जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है आपके यहाँ पर सुरक्षित नहीं है, आपके यहाँ पर कभी भी लीक हो सकता है, कभी भी हैक हो सकता है। आप हमेशा के लिए आप लोग व्हाट्सएप यूज करना चाहते हो आप लोग सुरक्षित रहना चाहते हो व्हाट्सएप पर तो आप हमारी प्लेटफॉर्म पर आ जाइए, मतलब ऑफिशियल व्हाट्सएप पर आप लोग यूज करें, ऑफिशियल व्हाट्सएप पर अकाउंट बनाकर आप लोग उस पर शिफ्ट हो जाओ, आप लोग डाटा जो भी आपकी जीबी व्हाट्सएप है वो आप लोग ट्रांसफर कर लो आप लोग नॉर्मल व्हाट्सएप में, आपके यहाँ पर सुरक्षित रहेगा, आपके यहाँ पर कोई भी चैट आपकी दिक्कत नहीं आएगा, आपकी जो भी दिक्कत आएगा उसका मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, आपको वहाँ पर ऑफिशियल व्हाट्सएप बोलता है। और आपको वहाँ पर जीबी व्हाट्सएप आपके अलाना फलाना ठिकाना जो भी व्हाट्सएप है आपको वहाँ पर ऐसा नहीं बोलता है। अगर फिर भी आप लोग यूज करना चाहते हो फिर भी आप लोग इसे ठीक करना चाहते हो तो भाई आप लोग ठीक कर लोगे, आपको मैं फिर भी बता रहा हूँ आप लोग ठीक कर पाओगे। आप लोग कैसे ठीक कर पाओगे आपको वहाँ पर वो भी मैं बता देता हूँ। आपको वहाँ पर सबसे पहले दोस्तों आपको वहाँ ठीक करने के लिए आपको वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो भी व्हाट्सएप को आप लोग यूज कर रहे हो उस व्हाट्सएप को आपको वहाँ पर सबसे पहले आपको डाटा क्लियर कर दो। डाटा क्लियर करने के बाद दोस्तों आपको वहाँ पर उस व्हाट्सएप को डिलीट कर दो। डिलीट करने के बाद फिर से व्हाट्सएप जाकर डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको वहाँ पर क्या करना है, आपको वहाँ पर नॉर्मल व्हाट्सएप डाउनलोड करना है। आपको वहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ आप लोग जीबी व्हाट्सएप यूज करो, आपको मैं तरीका बता रहा हूँ, आपको वहाँ पर फिर से नॉर्मल व्हाट्सएप यूज करना, उसमें जाकर एक बार अकाउंट आपको वहाँ पर बना लेना, जो भी नंबर से आपको दिक्कत आ रहा था वो नंबर देकर नॉर्मल व्हाट्सएप में अकाउंट बना लेना। अकाउंट बनाने के बाद दोस्तों आपको वहाँ पर वहाँ से क्या करना है, वहाँ पर से दोस्तों आपको वहाँ पर आपकी जो नॉर्मल आपने जो जीबी व्हाट्सएप यूज की है आपको वहाँ नॉर्मल व्हाट्सएप पर अकाउंट बन जाना चाहिए। अकाउंट बना लिए उसी नंबर से, उसके बाद आपको वहाँ पर जो भी जीबी व्हाट्सएप को आप लोग डाउनलोड किए हो उस व्हाट्सएप को आपको वहाँ पर डाउनलोड करने के बाद आपको वहाँ पर चालू कर देना। आप चालू करने के बाद आपको वहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पर लिंक डिवाइस दिखाई देगा, तो उस पर आपको वहाँ पर क्लिक कर उसका स्कैनर आपको वहाँ पर फोटो क्लिक करके रख लेना, नहीं तो दूसरा मोबाइल में आप लोग उसका स्कैनर भेज देना। भेजने के बाद आपको वहाँ पर क्या करना है, आप जो भी जीबी व्हाट्सएप को आप लोग है वो आपको वहाँ पर वैसे स्कैनर उसका निकाल कर आपको वहाँ पर जो भी नॉर्मल व्हाट्सएप आप लोग डाउनलोड किए मतलब आप लोग अकाउंट बनाए उस नॉर्मल व्हाट्सएप में जाकर आपको वहाँ पर उसमें भी लिंक डिवाइस में जाकर आपको वहाँ पर उसका स्कैन करने के लिए होगा। स्कैन वाला पर आपको वहाँ पर क्लिक कर देना और जो भी आप लोग जीबी व्हाट्सएप का स्कैनर है वो स्कैनर आपको वहाँ पर स्कैन करना। स्कैन करने के आपको वहां पर देखना आपकी नॉर्मल व्हाट्सएप जो है आपको जीबी व्हाट्सएप में चले जाएगा। तो आप लोग कुछ इस तरह से दिक्कत को ठीक करोगे, अगर फिर भी आपको ऐसा नहीं होता तो इसका जो तरीका है दोस्तों आपको आपको व्हाट्सएप टीम वाले से आपको हेल्प लेने पड़ेगा, मदद लेने पड़ेगा। अगर जो मैं बताऊँ उससे आपको नहीं अकाउंट बनता है तो आपको व्हाट्सएप टीम वाले से हेल्प लेकर उससे मैसेज करने पड़ेगा। मैसेज करने के बाद आपके 24 से 12 घंटे में आपके नंबर वो चालू हो जाएगा, फिर से आप लोग जीबी व्हाट्सएप को यूज कर पाओगे। बाकी दोस्तों मैं आपको बता तो बार बार आपको वहां पर हमेशा के लिए व्हाट्सएप यूज नहीं कर पाओगे, फिर भी दोस्तों आपको यही दिक्कत देखने के लिए मिलेगा। तो भाई क्यों थोड़ा सा मजा के लिए आप लोग अपना जो भी चैट करो जो भी बात करो क्यों आप लोग अपना दिक्कत में डाल रहे हो, आप लोग आप भाई जीबी व्हाट्सएप को छोड़कर आप लोग नॉर्मल व्हाट्सएप पर शिफ्ट हो जाओ ना। फिर भी नहीं शिफ्ट होना चाहते तो आपको मैं तरीका बता दिया, आपको हेल्प लेकर मैसेज करना, नहीं तो आपको जो मैं पहले तरीका बताया वो तरीका से आप लोग जीबी व्हाट्सएप को यूज कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में आपको यही मैं जानकारी देना चाहता था। अगर जानकारी पसंद आया तो भाई वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। तो चलो दोस्तों इसका नेक्स्ट वीडियो मिलता है।